डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस कर रहा था। 7.1 में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को किए हुए थे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जरा देखिए। बोल क्या रहा है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। एक ग्राफ के तौर पे फिगर बनाया हुआ है आपका, एक ग्राफ के फॉर्म में। हालांकि ये बुक देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10 तक के लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे ना, लेकिन हम यहाँ 9 तक ही लिखे हैं। एक मिस्टेक से छूट गया है, आप यहाँ पे एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से दे दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां 9 तक ही नंबरिंग किए हैं, आप 10 तक के नंबरिंग कर लीजिएगा। तो पाया गया कि किसी कक्षा में क्लास में चार मित्र ए बी सी डी इस तरीके से बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तभी एक चंपा और चमेली दो दोस्त उस क्लास में इन होती है, अंदर जाती है, तो देखती है कि चारों दोस्त जो है ऐसे बैठा हुआ है। तब कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचती है कि ए बी सी डी एक वर्ग बन रहा है। अब देखो, चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग बन रहा है। तो चंपा का बात कब जाके सही होगा दोस्तों? चंपा का बात तब जाके सही होगा जब AD एक वर्ग होगा। यानी कि जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये चारों बराबर दिखेगा। सवाल बोलती है चंपा कि क्या तुम सोचती है कि ये वो वर्ग में ये लोग बैठा हुआ है। तो चमेली का जवाब क्या होगा? तो सब तुम लोग चमेली है। कहने का मतलब है कि अब तुमको जवाब देना है कि चंपा सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। तो यहाँ पे चार गो दोस्त बैठा हुआ है, तो चारों का पहले बिंदु मालूम चलेगा तब ना, तो चारों का निर्देशांक पता करना होगा सबसे पहले। तो ए का निर्देशांक कहा, तो एक्स निर्देशांक नीचे से लिया जाता है, तो ये 3 और 4, तो इसका निर्देशांक हो गया 3 4, ठीक है। फिर बी का देखेंगे, तो बी किसके सामने है? नीचे 6, और इधर कितने सामने? 7, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया? 6 और 7। सी का देखिए, तो नीचे कितना है? 9, इधर कितना है? 4, तो इसका निर्देशांक 9 4। वैसे ही डी का बिंदु का देखिए, तो नीचे कितना? 6, और इधर कितना? 1, तो इसका हो जाएगा 6 1। तो दोस्तों अब आपको चेक करना है कि चंपा सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब आपको दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग तभी ना, जैसे मान लीजिए चंपा बोली कि तुम सोचती है चमेली कि जो है ये वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, तो वर्ग कब बनेगा? जब चारों भुजा बराबर होगा तब ना। तो अब हम लोग चमेली का हेल्प करेंगे, चमेली का मदद करेंगे कि क्या चंपा सही बोल रही है कि नहीं। चंपा तो बोली कि क्या तुम नहीं सोचती कि वर्ग है, तो अब हम लोग को सोचना है एज ए चमेली के रूप में। तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि अच्छा वर्ग है कि नहीं है? तो आप बारी बारी से ए बी का वैल्यू निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी निकालिए। अगर सब दूरी आपस में बराबर होता है तो हम लिखेंगे कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग है और चंपा का कहना सही है, चंपा सही बोल रही है, ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले तो आए तब ना, सब बराबर हो तब ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने का तरीका, आप पहले ए बी निकालिए। तो ए बी कैसे निकलेगा? हम बताया ना कि ए बी निकालने के लिए 2 पॉइंट लिखिए, ए और बी। तो ए का निर्देशांक कितना? 3 4। बी का निर्देशांक कितना? 6 7। समझ रहे हैं? तो इसका दूरी सूत्र से आप निकाल लीजिए ए बी का मान।
जितना आएगा उसको यहां पे लिख देंगे जितना आएगा, उसके बाद आप बीसी निकालिए, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है आप एडी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालिए, तो आप एडी के बाद बीसी निकालिएगा तो सही है। तो बीसी व्हाट, यानी कि बीसी निकालना है तो बीसी कैसे निकलेगा, तो बी का निर्देशांक और सी का बिंदु, डी बिंदु भी पता है और सी बिंदु भी पता है, तो आप बीसी निकालिएगा, उसी तरीके से फिर सीडी निकालिएगा, फिर एडी निकालिएगा, चाहे डीए निकालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या बोले कि आप एडी भी निकाल सकते हैं डीए भी निकाल सकते हैं, बात तो यही होगा ना। तो अब अगर आप निकालिएगा चारों, अगर चारों बराबर आ जाता है तब हम नीचे में क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है इसलिए चंपा का कहना सही है। समझ रहे ना चीजों को। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, सिर्फ ग्राफ में ए बी सी डी लिखा हुआ था, निर्देशांक हमको पता करना था देखकर कि ये छह है इधर एक है तो छह एक हो जाएगा, ये तीन के सामने है ये चार के सामने है तो तीन चार हो जाएगा, ये छह के सामने है ये सात के सामने है तो छह सात हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को काम करना होगा। चलिए हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब सिक्स क्या बोल रहे हैं जरा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए उत्तर के लिए जो कारण देना है ना, इसमें बोल रहा है कि चार वो बिंदु तो दिया हुआ है, चार वो बिंदु छठा सवाल में आपको दिया हुआ है, अब वही चार बिंदु से आपको जो है चेक करना है कि वो चतुर्भुज बन रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको हर बार जो है चार वो बिंदु दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पहला में चार वो बिंदु कौन कौन दिया हुआ है, माइनस एक माइनस दो, फिर कॉमा करके एक जीरो, फिर कॉमा करके माइनस एक दो, फिर माइनस तीन जीरो, ठीक है। अब टोटल छठा में जो है तीन गो क्वेश्चन है, ठीक है, हम छठा के पहला क्वेश्चन को बता देते हैं, वैसे ही आप छठा के जो बाकी का दो क्वेश्चन है उसी तरीके से आप सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल क्या बोला कि चार वो बिंदु है, अब ये चार बिंदु का आपको चेक करना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पे कीजिएगा क्या, हल में माना ए का निर्देशांक, आप एबीसीडी भी दे सकते हैं, मेरा मन है पी क्यू आर एस तो पी क्यू आर भी दे सकते हैं, पी का मान लिए माइनस एक माइनस दो, क्यू मान लिए कितना वन जीरो, आर मान लिए कितना माइनस एक कॉमा दो, एस मान लिए माइनस तीन और जीरो, इसको पी बिंदु क्यू बिंदु आर बिंदु और एस बिंदु मान लिए, ठीक है। अब करना क्या है, चूंकि चार वो बिंदु दिया है दोस्त, तो चार वो बिंदु दिया है तो चारों से ना हम निकालेंगे, जैसे मान लिया कि एक दूरी होगा पीक्यू से एक नंबर दूरी, फिर क्यू आर का दूरी, फिर आर एस का दूरी और फिर पी एस का दूरी, तो टोटल कितना दूरी यहां से निकालेंगे, चार दूरी पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस। अब चारों दूरी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि चारों दूरी किस प्रकार का आ रहा है, अगर चारों दूरी बराबर आएंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वर्ग है, अगर चारों दूरी में से आमने सामने का बराबर होगा तब हम उसको बोलेंगे कि ये आयत बन रहा है, ठीक है, या फिर समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज बन रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले जो चार बिंदु दिया है ना दोस्त, यही चार बिंदु से आपको दो चार दूरी निकालना है। सबसे पहले आप एबीसीडी नाम रखते तो एबी निकालते, बीसी निकालते, सीडी निकालते, तब एडी निकालते,
लेकिन हम यहाँ पे PQRS नाम रखे हैं, तो सबसे पहले PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे, RS निकालेंगे, फिर PS निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम यहां से PQ सबसे पहले निकालते हैं, तो P का बिंदु कितना कितना है, P है और Q है, P है -1 -2, Q कितना है 1 और 0, तो PQ का दूरी निकालना है। तो क्या होता है फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ये -1 पहले से है, अब ये -1 करेंगे स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो -2 - 0 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर कितना आ गया √-1 और -1, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर होता है +4 और इसका भी हो जाएगा 4, तो टोटल कितना हो गया 8, और 8 को हम लोग बताया है ना कि इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 को कोई अगर अंदर रहता है रूट में उसको बाहर कर लेते हैं, तो 2√2 बन गया, यानी PQ का दूरी कितना हो गया 2√2। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूंकि मिटा रहे हैं, आप मिटाइएगा नहीं, फिर आप QR निकालिएगा, तो चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आप निकालिएगा अगला बिंदु का नाम क्या हम रखे हैं, Q और R। अब आप सबसे पहले यहां लिखते जाइएगा, उसके नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए PQ का मान कितना आया 2√2। अब आप QR निकालिए, तो QR बराबर व्हाट, यानी कि QR निकालना है, तो कैसे QR निकालेंगे भाई, तो एक यहां Q का बिंदु, R का बिंदु, तो Q कितना दिया है 1, 0 और R कितना दिया है -1, 2, तो QR का फॉर्मूला यहां पे दूरी सूत्र से क्या करेंगे, x - x1 का होल स्क्वायर, तो यहां करेंगे क्या 1 - और ये -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, देख पा रहे होंगे ना, x1 के जगह पे 1 - x2, तो x2 खुद -1 है, तो -1 रख दिए उसका स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस होता है y1 - y2, तो y1 कितना है 0 -2 का स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे 1 और -, क्या होगा प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और ऊपर स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, कुल मिलाकर 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसका भी वैल्यू √8 आ गया, यानी कि 2√2 बोल सकते हैं, तो यहां पे भी आप क्या आ गया आपका QR बराबर भी आ गया 2√2। उसी तरीके से दोस्तों अब की बार आप RS निकालिएगा, तो चूंकि हमको पता है कि इसका भी वैल्यू 2√2 आएगा, और PS भी निकालिएगा तो PS का भी मान 2√2 आएगा, तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं, तो यहां पे सबका मान निकालिएगा, हम 2 मान निकाल दिए हैं, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप नहीं हड़बड़ाइए, हम तो सिर्फ आपको रास्ता देने का काम कर रहे हैं, अब हम सब चीज निकाल देंगे तो सिर्फ आप छापिएगा, ये तो सही नहीं ना है, इसलिए PQ और QR निकालिएगा। अब RS और PS भी निकाल कर आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना कितना आ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि उसका भी वैल्यू आ जाएगा 2√2, सबका आएगा उतना ही, तो उसके बाद क्या लिखेगा, अतः यहां PQ का मान, QR का मान, RS का मान, PS का मान, सब मान बराबर है, तो जब सब मान बराबर है इसलिए यह वर्ग है, यह क्या है, वर्ग है। तो उसी तरीके से छठा क्या बोल रहा था सवाल ना, कि आपको 4 बिंदु दिया गया है, अब चारों बिंदु से आप निकालिए कि वह किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, तो आप चारों के मान निकालिएगा तो खुद देख के पता चल जाएगा कि चारों भुजा में से कौन कौन बराबर है, 4 भुजा में से 2 आमने सामने वाला बराबर होता तो उसको हम लोग आयत बोल देते, क्योंकि आमने सामने का बराबर होता है, लंबाई के सामने लंबाई बराबर, चौड़ाई के सामने चौड़ाई बराबर, तो यहां पे तो हम लोगों का सब बराबर आ गया,
तो जब सब बराबर आ जाता है तो वर्ग कहलाता है। उसी तरीके से दोस्तों छठा काम, और भी दो गो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें चार बिंदु हमें दिया गया है, और यही चार बिंदु से हमें क्या करना है, चतुर्भुज का पहचान करना है कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। और कैसे पहचान करेंगे, तो दूरी देखकर कि सबका दूरी कितना आ रहा है। कुछ जरूरी नहीं है कि पी क्यू आर एस ही नाम देना है, आप ए बी सी डी भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए छठा नंबर से आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां क्या बोल रहा है। सेवन नंबर क्वेश्चन, छठा में सब में वही करना है, छठा में सब में सबका दूरी निकालिएगा, फिर चेक कीजिएगा कि किस तरह का क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, सेवन, क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, सातवां नंबर, देखिए कोई एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, हम मान लिया कि ये एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्स डैश बोलते हैं ना, और ये होता है वाई वाई डैश। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है दोस्त कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो आप कहीं भी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ले सकते हैं। हमने जो है एक्स अक्ष की पर कोई बिंदु ले लिया, तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है दोस्तों एक्स और जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष में वाई का मान जीरो होता है और वाई अक्ष में एक्स का मान जीरो होता है, याद रख लीजिएगा नोट में, नोट, एक्स अक्ष में वाई निर्देशांक जीरो होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वाई अक्ष में एक्स निर्देशांक जीरो होता है। देखिए ये चीजें ना उल्टा होता है हम लोगों का, हमें क्या बोल रहा था कि एक्स अक्ष में बताइए, एक्स अक्ष में कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष में कोई बिंदु मतलब ये है। ठीक है, अब ये बिंदु है एक्स अक्ष में, तो हम वाई निर्देशांक को कितना कर दिए, जीरो, और इसको एक्स का एक्स छोड़ दिए। अगर बोलता हमें कि वाई अक्ष में कोई बिंदु है तो वाई अक्ष में हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले जीरो तब वाई लिख देते। तो ये आपको जानना जरूरी है कि एक्स अक्ष में वाई निर्देशांक कितना होता है, जीरो, और वाई अक्ष में एक्स निर्देशांक कितना होता है, जीरो। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। अभी क्या बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु मान लिए हैं एक्स जीरो जो दो माइनस पांच और माइनस दो नौ से सम दूरस्थ है। देखिए बोल रहा है कि यह बिंदु हो गया और एक इधर बिंदु है, जैसे मान लिया कोई भी बिंदु मान सकते हैं, क्या माना हुआ है, दो पांच, दो माइनस पांच, दो और माइनस पांच, यहां मान लिया कि है, यहां क्या है, दो माइनस पांच। ठीक है, फिर क्या है, कहीं भी मान लेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस दो और नौ। ठीक है, यहां पे मान लिया कि एक और है, यहां पे ना, यहां पे मान लीजिए, यहां पे माइनस दो है और नौ है, ये हम ऐसे ही माने हुए हैं समझाने के लिए कि ये वाई अच्छा है, लेकिन इसका काम नहीं है। ठीक है, तो बोला गया कि एक्स अक्ष में वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ का मतलब दोस्तों बराबर दूरी पर है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों बराबर है। ठीक है, सवाल क्या बोला कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए, तो उस बिंदु का हम नाम कर पता कर लिए कि एक्स और जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक जीरो होता है, यहां हो जाएगा एक्स जीरो। फिर दो गो बिंदु सवाल में दिया था, एक माइनस दो और नौ और दो और माइनस पांच, बोल रहा था कि ये दोनों से ये वाला जो बिंदु है सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, एक ही दूरी पर है, तो जब दूरी बराबर है इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम ए,
इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो सवाल में क्या बोला कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। तो जब ए बी बराबर बी सी सवाल में बोला है, इसको आप मिटाते चले जाते हैं, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या बोला कि जो एक्स अक्ष पर बिंदु है वो इससे और इससे समान दूरी पर है, दोनों बराबर दूरी पर है। तो प्रश्न बोला कि ए बी का दूरी और बी सी का दूरी जो है बराबर है, ठीक है। जब दोनों दूरी बराबर है तो ए और बी के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं, तो ए और बी के बीच का दूरी निकालिए, तो एक्स वन माइनस एक्स टू, तो यहां हो जाएगा माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस नौ माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर इधर निकाल लेंगे बी सी, तो बी सी कैसे निकलेगा, तो एक्स वन माइनस एक्स टू, इसके लिए सिर्फ बी सी के लिए काम कर रहे हैं, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस पांच, तो जीरो फॉर्मूला में होता है माइनस, अभी पहले से माइनस है, का होल स्क्वायर। अब देख पा रहे होंगे हम लोग एक मैथमेटिक्स का रूल सीखे हुए हैं कि अगर इधर भी रूट पी है और इधर रूट आर है तो रूट से रूट कट जाता है, कब, जब दोनों तरफ रूट रहता है तब, ठीक है। तो जब दोनों तरफ रूट रहता है तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाता है, यहां पर भी इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों रूट कट गया, तो यहां पे क्या बच रहा है, माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस नौ में से जीरो हो गया नौ का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है यहां पे प्लस, तो पांच का स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसको मान लेंगे क्या, इसको ए को मान लेंगे माइनस माइनस टू, ए को क्या मान लेंगे माइनस टू, और बी को मान लेंगे सिर्फ एक्स, ये हो गया ए और ये हो गया हम लोगों का बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पड़े है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस टू है भी, तो माइनस टू, ए का मान है माइनस टू फिर बी का मान है एक्स, प्लस में कितना नौ का स्क्वायर इक्यासी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, यहां भी ए फार्मूला होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब दो का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए, ए का मान एक्स, बी बी का मान दो प्लस पांच का स्क्वायर पच्चीस, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग को इस तरीके से सिचुएशन बन रहा है, तो आगे हम लोग और कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, आगे करते हैं सॉल्यूशन। देख पा रहे होंगे माइनस दो का स्क्वायर कितना होता है भाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना होगा माइनस माइनस प्लस फोर एक्स प्लस इक्यासी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस चार माइनस फोर एक्स प्लस पच्चीस, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबको इधर लाएंगे, यानी इधर वाला को इधर ही छोड़ देंगे, फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस इक्यासी, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस चार, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस चार एक्स, ये प्लस पच्चीस है इधर आएगा तो माइनस पच्चीस बराबर में जीरो। देख पा रहे होंगे क्या क्या कट रहा है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, चार के आगे प्लस चार के आगे माइनस कट गया, चार एक्स और चार एक्स दोनों मिलके कितना एक्स हुआ, तो चार एक्स मिलके हुआ आठ एक्स, ठीक है। और ये इक्यासी है और इक्यासी में से पच्चीस घटाइए, तो इक्यासी में से पच्चीस घटेगा तो कितना आ जाएगा छप्पन, यहां हो जाएगा प्लस में छप्पन ना,
81 में से 56 गया तो प्लस में 56 बराबर में 0, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा 8x बराबर में -56। इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, तो 8 इधर गुना है तो -56 बटा में 8, तो 8 7 56 यानी कि -7 इसका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना था। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से दूरस्थ है, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7, तो इसलिए बिंदु की पूछ रहा था, तो बिंदु हम x 0 माने थे, तो x का वैल्यू आया -7 और 0, इसका हम लोगों का आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कब जब सम दूरस्थ होता है तब, यानी कि सम दूरस्थ वाले केस में हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से। यहाँ पे हमें बिंदु निकालना था x अक्ष पर, इसलिए x और 0 माने थे और दोनों सम दूरस्थ था, यानी कि दोनों की दूरियां बराबर थी, तो दोनों तरफ हम लोग बराबर कर दिए और दूरी सूत्र का प्रयोग करके और x का मान निकाल दिए। तो दैट इज अ सिंपल। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए अब सवाल ये जो है ना, आठवां नंबर, ये कितना था 7 नंबर ना, आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको हम हिंट्स दे रहे हैं कि आठवें नंबर क्वेश्चन में करना क्या है और इसको हम लोग कैसे बना पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। कुछ इस तरीके से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक बिंदु दोष P है और एक बिंदु यहां पे Q है। P का निर्देशांक हमें दिया हुआ है 2 और -3, ठीक है, और Q का मान दिया है 10 और y। P और Q का मान दे दिया, यानी कि बिंदु दिया है, ठीक है, और दोनों के बीच में दूरी कितना दिया है, तो दोनों के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है, यानी कि दोनों के बीच में दूरी कितना है 10। तो सवाल बोल रहा है कि आप y का मान जो है निकालिए, y का मान निकालिए। सिंपल वे में आप यहां पे दूरी, दूरी का मतलब कौन सी, PQ का फॉर्मूला कुछ लगाइएगा, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 - 10 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी -3 और -y का होल स्क्वायर, यही ना। अब हम लोगों को सवाल में दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है PQ कितना 10 बराबर रूट अंडर ये 2 - 10 कितना हुआ -8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे। कैसे भाई, तो a को मान लीजिए आप -3 और b को मान लीजिए आप y, तब हो जाएगा ना, a को मान लीजिए आप -3 और माइनस तो होता ही फॉर्मूला, a - b का वैल्यू खाली y मान लीजिए, तो यहाँ होता है a² तो -3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब कि y का स्क्वायर -2ab, तो माइनस तो होता ही है 2, a का मान -3, b का मान y। दोस्त एक और रूल्स आपको समझना चाहिए कि जैसे मान लिया p है और इधर रूट r है, तो रूट को हटाना चाहते हैं तो इधर आके स्क्वायर बन जाता है, यानी p² / r, यानी कि एक मैथ का रूल है कि अगर एक तरफ रूट रहे और एक तरफ रूट नहीं रहे तो इधर वाला रूट कट के और इधर स्क्वायर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, इधर वाला रूट खत्म करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स का रूल है, बराबर कितना है तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस y² -- प्लस 6y, ठीक है।
अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि क्या आ रहा है भाई, तो इधर हो गया 100 बराबर 64 हो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब 100 को उधर ले जाएंगे तो बनेगा क्या, इधर बन जाएगा 0 और उधर बन जाएगा माइनस 100। 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 100, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि हम लोगों को कैसा सिचुएशन बन रहा है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया, कैसा, तो y स्क्वायर प्लस 6y और 73 में से 100 घटाइए, तो 73 में से 100 घटाइएगा तो कितना आएगा, शायद 27 ना, तो यहां हो जाएगा माइनस में 27। देख पा रहे होंगे ना माइनस का वैल्यू ज्यादा है, बराबर में कितना, इधर इधर भी 0 लिखे उधर भी 0 लिखे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो है इस तरीके से आ गया। अब यहां से दोस्त सवाल में बोल रहा है कि y का मान निकालो, तो यहां से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे पता है, हम लोग द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का हल सीखे हैं कि गुणनखंड से भी करते हैं, ठीक है, उसका वर्गमूल करके भी करते हैं और द्विघाती सूत्र पे भी करते हैं, विवेचक निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां के बाद जो है ना आपको काम करना है कि आखिर y का वैल्यू यहां से आप कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पे द्विघाती सूत्र लग रहा है, आप चाहेंगे तो इसका गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं। पहले आप विवेचक निकालिएगा, a का मान बी का मान और सी का मान देखिएगा क्या होता है, ठीक है। तो आप विवेचक निकालिएगा डी का मान, फिर फार्मूला, यानी कि ये क्वेश्चन अधूरा है, अभी क्वेश्चन अधूरा नहीं मतलब आंसर अधूरा छोड़े हैं आपके लिए। आप वाई का वैल्यू निकालिएगा, वाई का वैल्यू 200 आएगा और फिर देखिएगा सही आंसर क्या है। जो अगर माइनस आएगा वो अमान्य उत्तर होता है, लेकिन फिलहाल देखिएगा क्या आता है आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ते हैं, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।